गाड़ी ये चलाते हुए तो नहीं बनाती आपने? मैं कभी कभी बनाती हूँ तो, अगर आप लेकिन बनाती हैं तो थोड़ी देर से बाद हम फूल डाल रहे होंगे इसलिए उन्होंने ना बनाया। नहीं, मैंने अपने पापा से बोला था कि मुझे ड्रिफ्ट सिखाएं, ठीक तो है उन्होंने मुझे जब ड्रिफ्ट सिखाई ना, तो मैंने वो हल्का सा जो शॉट था वो अपने इंस्टा की स्टोरी पे लगा दिया था। तो मैं जब कमेंट सेक्शन पे गई तो उधर इतनी नेगेटिविटी, लाइक इतने नेगेटिव कमेंट्स लोगों के कि ओ लड़की ड्रिफ्ट मार रही है, इसको आती नहीं है और ये सब। अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील, मैं पार्क व्हील रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो मर्सिडीज बेंज है। मेरे साथ लाइबा मौजूद है। लाइबा आप कैसी? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले बताइएगा हमारे यूजर्स के लिए आपकी गाड़ी का जो मेक मॉडल है, मेक तो खैर मैंने बता दिया, मॉडल और वेरियंट कौन सा? ये 2018 है, ठीक है सी जी, वन एटी ए एम जी नाइट पैकेज ठीक है, जी। C180 AMG 2018। और ये आपने कब ली थी? ये 6 months हो गए हैं सिक्स ऑलमोस्ट। मंथ्स हो गए, बिल्कुल ठीक है। सो बिल्कुल। हम हमेशा समझने की कोशिश कर रहे थे, जब आप ये गाड़ी खरीद रही थी, यू आर इन अ मार्केट टू बाय, मतलब जब आप गाड़ी लेने जाती जी हैं, एक बजट जहन में था, कोई खास स्पेसिफिक गाड़ी थी? वर देयर अदर ऑप्शन दैट यू कंसीडर व्हाइल बाइंग दिस कार? बजट तो जहन में नहीं था, बट यही था कि कोई भी अगर क्लास लेनी है तो मर्सिडीज़ में से ही कोई लेनी है, ठीक क्योंकि है, मर्सिडीज़ लवर हूँ मैं सही बहुत है, ज़्यादा। तो ठीक मेरा है, था कि अगर लेनी है तो मर्सिडीज़ ही लेनी है, वरना ऑप्शन इसी में ऑप्शंस और भी निकल आते। कि तो अगेन आप सही कह रही हैं कि इतने पैसों में आपको और मर्सिडीज भी मिल मिल सकती थी। सकती थी। सो डिड यू कंसीडर एनी ऑफ दीज आल्सो, कि आपने कहा नहीं मैंने सी क्लास ही लेनी है? नहीं, बिकॉज मैंने ई भी ड्राइव की हुई है, हम ठीक है लोगों ने वो एस क्लास भी रखी हुई है, ठीक सी है, क्लास भी रखी हुई है। एस क्लास है बहुत प्यारी गाड़ी, बट वो इस तरह की है कि वो ड्राइव करते हुए मुझे ज़रा डर सा लगता है, बिकॉज ठीक वो है, ऐसी कांच की गाड़ी है, बड़ी प्यारी गाड़ी है, उसकी शेप बहुत प्यारी है, सही है, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा मेरे ख्याल से ठीक है, वो रोज़ नहीं चलाई जा सकती ठीक उस है। तरह की सो गाड़ी। आई थिंक योर डिसीजन वर मोर मोर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कार, बिकॉज सी बीइंग द यस मोस्ट, जिसे कहते हैं ना आप, उसको इजी टू मनूवर है, साइज भी ठीक है, येट बिल्कुल ऑप्शन भी अच्छी हैं, बिल्कुल। तो इसलिए आपने सी के लिए डिसाइड कर लिया। अभी अभी एक और भी है, वो भी मैं ड्राइव कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा ड्राइव कर रही होती हूँ बिकॉज लाहौर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, ये मैं ज़्यादा इस्लामाबाद में ड्राइव कर रही ठीक होती है हूँ। क्यों, वो है मेरे पास कंप्रेसर ठीक टू है थाउजेंड सेवन ठीक है, और C180। C180 कंप्रेसर 2007 विच विल बी W204, इससे पिछला वाला जो जनरेशन थी, ठीक है, यस, और वो भी मेरे पास है सिल्वर में, वो भी बहुत प्यारी गाड़ी है। वो सही है। असल में रफ़ एंड टफ़ है, मतलब जिस तरह उसको आप ट्रैफिक में ले जाओ और इस तरह एंड इफ यू उधर। डोंट माइंड टेलिंग आवर ऑडियंस के किस प्राइस बजट में थी उस टाइम पे? ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बिकॉज मेरे फादर ने ली ठीक थी, है, बट अभी आई थिंक इसकी 2 तक है, 2 करोड़ हाँ तक। जी, लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्ट ये भी होता है कि जर्मन गाड़ियां या खास तौर पे मर्सिडीज जो हैं, देर वेरी हाई मेंटेनेंस कार, ऑल्दो आई टेंड टू डिफर विद देम। सो आपने पहले भी कंप्रेसर रखी है, ये भी रखी है, उससे पहले मेरा ख्याल है लोकल गाड़ियां भी रखी होंगी, तो बिल्कुल। कितना डिफरेंस आपको लगता है कि है प्राइस में वो मेंटेनेंस वाइज? मेंटेनेंस वाइज इनको ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती ठीक है, ये है तो है बिल्कुल सही, इसमें कितना को है। फर्क है? मतलब एक होता बंदा कहता है कि जितना ये मार्जिनल डिफरेंस देती है, ड्राइविंग कंफर्ट देती है, उसके लिहाज से ठीक है बर्दाश्त कर लूंगा, एक होता है कि बहुत ही एग्जुबरेंटली हाई है आई कि जी वो थिंक शायद 10,000 में हो रही तो ये लाख में, ऐसा है कि नहीं है? या मेरा ऐसा, ख्याल है आपके आई वाले थिंक साहब मिडिल नहीं क्लास नहीं करते नहीं हैं, आपको नहीं आइडिया नहीं नहीं है? ऐसा है, अच्छा अब हो अच्छा चुका है, क्योंकि जैसा आपने पाकिस्तान के हालात तो देख लिए जी जी होंगे, जी जी तो उस हिसाब से तो बिल्कुल इस पर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस वगैरह का है। रिक्वायर्ड है। हाँ बहुत और जिस ज़्यादा। तरह अभी आप बात करती थी कि डरते डरते बंदा कहता है लग ना जाए, कभी खुदा ना खास्ता लगी या हाँ पार्ट्स की प्राइस का आइडिया कितने को महंगे हैं इसके? पार्ट्स तो बहुत ही महंगे हैं, ये तो थोड़ा बहुत आइडिया है, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बट ये है कि इसीलिए फिर मैं वो दूसरी वाली ज़्यादा चला रही होती हूँ आपने ट्रैफिक वैसे में। गाड़ी इंश्योर कराई भी है? नहीं नहीं कराई भी? वैसे मेरा आपको नहीं मशवरा सबसे पहले बरादराना ही होगा कि आप इसको इंश्योर करा लें, बिकॉज पाकिस्तान में जनरली जो ट्रैफिक के जो हालात हैं और इस तरह जी जी गाड़ियां जी जा रही जी हैं आ रही जी हैं, मोटरसाइकिल सिग्नल पे आप खास तौर पे लाहौर में खड़ी होंगी तो आपको पता लगेगा कि बहुत ज्यादा है, और वो जाते जाते टच कर जाएंगे, तो गाड़ी का जो लाइट है या कोई भी एक पार्ट है वो इतने महंगे हैं कि बिल्कुल वो फाइनली आपकी जो पॉकेट पे बहुत बड़ा डेंट पड़ता है। सो बिल्कुल आप लोगों के लिए भी यूजर्स, हम लोगों ने एक पार्क व्हील्स के ऊपर इंश्योरेंस पेज बना दिया जिसपे आप तमाम कंपनीज के इंश्योरेंस पैकेज देख सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पार्क व्हील्स को इंश्योरेंस नहीं बेचता, मेरा उसमें कोई इंटीरियर मोटिव नहीं है, मुझे पता नहीं, चाहे आप तड़प रहे हैं लिखने के लिए कि हराम है, तो उसकी इस्लामिक फॉर्म भी जो है वो मौजूद है मुशारका। सो लेकिन मेरा पॉइंट आपको ये, आजकल लोगों की गाड़ियों के टायर चोरी हो जाते हैं, किसी के हेड यूनिट चोरी होता है, किसी के बिल्कुल शीशे चोरी होते हैं, ऐसा तो होता आप है लोग सारे इंश्योर करा रहे हैं, आप भी करा लें सबसे पहली चीज जाके। जरूर। अच्छा, इसके अलावा इसकी ऑयल सर्विस भी आप खुद कराते हैं कि वाले साहब कराते हैं? वो भी मेरे फादर वाले साहब कराते करवाते हैं, जिंदाबाद वाले साहब जिंदाबाद। अच्छा, इस गाड़ी की ऑप्शंस की बात करें, इसमें पैनोरामिक सनरूफ है, इको आइडल भी है, जी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बड़े जी मर्सिडीज में नहीं आती थी आपकी पिछली वाली में, तो फॉर श्योर नहीं बिल्कुल। होगी। उसका ये एक और इशू जो था मेरी, हाँ अभी जो दूसरी वाली है उसमें यही इशू होता है कि ब्लूटूथ उसमें नहीं है, सही तो है, वो हमने जो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑक्स की लीड लगा ऑक्स सकते हो, लगा लें या फिर दूसरा आपने वो लगाया होगा, क्या
बट फिर भी क्वालिटी नहीं आती है। अगेन जर्मन में मेरा ख्याल है ये फर्स्ट जनरेशन थी जिनके अंदर ही आया था इसकी। बिल्कुल वो यूके इम्पोर्ट है जो दूसरी वाली है। और इसकी जो ब्लूटूथ, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं, सॉरी ये शाहनवाज इम्पोर्ट है, वो यूके इम्पोर्ट है। अच्छा इसकी ये जो कनेक्टिविटी है ये कैसी है, ऑडियो शॉडियो सब बहुत अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। If I ask you, इस गाड़ी के अंदर तीन ऐसे चीज जो अगर आपको इसका सेल्स रिप्रेजेंट बनाया जाए, if you be, you have to tell me the USPs के भी ये इसके selling proposition है यूनिक, क्या होंगे? I think इसका जो इंटीरियर है ब्लैक चाहिए, ये मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, बिकॉज मुझे स्नैप्स वगैरह बनाने की बहुत ज्यादा आदत है। तो गाड़ी चलाते हुए तो नहीं बनाती हैं आपने? मैं कभी कभी बनाती हूँ, तो लेकिन बनाती है तो थोड़ी देर से बाद हम फूल डाल रहे होंगे इसलिए वो ना बनाते हैं। नहीं नहीं कभी कभी, बट लाइक इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है और वही फिर सनरूफ, ठीक है, और क्या कहते हैं इसकी शेप बहुत प्यारी है, एक्सटीरियर शेप आई वुड से जो इसकी फ्रंट लाइट्स है नंबर वन वो बहुत प्यारी है, नंबर टू इंटीरियर है, नंबर थ्री फॉर यूएस पैनोरामिक। अच्छा अच्छा एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी एसी की परफॉर्मेंस भी, बहुत अच्छी बहुत है, बहुत अच्छी। और कार्बन इसका जो रूफ है ये भी ब्लैक लेना, आई थिंक ये ब्लैक पैकेज जो आप कह रहे थे, यस ये नाइट पैकेज है तो इसलिए ये सही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसमें एक चीज जो मुझे बड़ी इरिटेट करती थी, आई एम नॉट श्योर आपको करती कि नहीं, जो इसका इको आइडल है, ड्राइविंग अ मर्सिडीज एंड स्टैंडिंग ऑन अ सिग्नल और एकदम इंजन बंद हो जाता है, तो कभी इस पे गुस्सा आया कि नहीं? इस वाली गाड़ी पे नहीं आया लेकिन उस वाली गाड़ी पे आया, वो पुरानी होगी इसलिए उस पे ज्यादा आ रहा होगा, उस पे ज्यादा आ जाता है मुझे कभी कभी। ठीक है, अच्छा इसकी जो पिछली सीट है यू ऑफन यूज दिस, मतलब कोई और भी बैठते हैं दोस्त वगैरह के नहीं है, फैमिली बैठती है? बैठती है, बिल्कुल बैठती है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कैसी है, बिकॉज जो एक इसे और नीचे आती है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर मैं ऑनेस्ट होंगी तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी बिकॉज़ आई वाज अबाउट टू से, बिकॉज़ आई एम अ क्रिटिक ऑफ सी क्लास बिकॉज़ ऑफ द साइज की, या बहुत छोटी लगती है मुझे। हाँ नहीं ये इसमें ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, बट एट द सेम टाइम जब ये सी क्लास आ रही थी 2018 में, उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत ऑडीज का जो है ना वो बूम था, जी बिल्कुल ट्रेंड चला था, तकरीबन 3 साइज की ऑडी इसी प्राइस में आती थी, तो आपने नहीं कभी सोचा कि वो जूड़िया में ले लूं अभी? नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई थिंक मैं ऑडी लवर नहीं हूँ, बहुत बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ये कि मुझे अभी एक ऑडियो में जिसका नहीं पता वो कौन सा ईयर है, एक बिल्कुल नई जो है वो कौन सी है, बहुत प्यारी है। इलेक्ट्रिक है कि नॉन इलेक्ट्रिक? यस आई थिंक इट्स इलेक्ट्रिक। दो एक तो एसयूवी है, ईट्रॉन है, दूसरी ईट्रॉन जीटी। ईट्रॉन नहीं, ईट्रॉन तो बहुत कॉमन हो गई है, अब सबके पास ईट्रॉन नजर आ रही होती है, ईट्रॉन नहीं आई थिंक दूसरी वाली, इट विल बी ईट्रॉन जीटी देन। यस जीटी, वो उसकी शेप बहुत प्यारी है। सही, तो मैंने सोचा है कि अगर हमने लेनी है तो फ्यूचर में कभी ट्राई करें, बट हम लोगों ने जिस तरह मर्सिडीज में तो सारी क्लासेस देखी हुई है, ऊपर से किया और एमजी, मतलब कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती हैं, जैसे कि फॉर्च्यूनर। ठीक है, वो गाड़ी है बहुत प्यारी, बट मोटरवे पे जब मैंने इस पर ट्रेवल किया था उसकी जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि सख्त हैं। काफ़ी हैं तब थोड़े तो आप उसे काम ले रहे हैं। नहीं अच्छा, थोड़ी सख्त। और उसके अलावा बाकी तो अच्छा, आप मुझे बताएंगे आपको किया और एमजी में से कौन सी ज़्यादा गाड़ी अच्छी लगती है? Drive wise, option wise. Drive wise, I would say MG, but in fact, option wise bhi MG better. Or, but fuel average wise better nahi. Fuel average wise better nahi hai. अच्छा बीइंग अ वुमन इन पाकिस्तान, पहले ये था कि खवातीन गाड़ी चलें तो लोग जो है ना बड़ा मुड़ मुड़ के देखते थे, बट राइट नाउ आजकल भी मेरा ख्याल है अगर आप मर्सिडीज या थोड़ी आउट ऑफ मार्केट गाड़ी चला रहे हो तो डू यू गेट दिस कमेंट? और बिल्कुल, इसमें लोग कहते हैं कि ये लड़की कैसे चला रही है, या पीपल आर परेशान होते हैं कि कैसे ये बिल्कुल होता है तो हाउ डू यू फील एंड व्हाट इज योर मैसेज फॉर द वुमेन आउट देयर? आई थिंक Women have equal, if not more than equal right than any other person. नहीं, I think इस तरह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, मतलब जैसे लड़के ड्राइव कर रहे हैं वैसी लड़कियां ड्राइव कर रही हैं, कोई नई बात नहीं, और आजकल तो आई थिंक बहुत सारी लड़कियां इवन बाइक्स भी चलाने लगे हैं। I think women are more safer driver than men anyway. Yes, I agree 100%. मैं आपको इस बात से एक बार बताऊंगी, मैंने कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे बाबा, मैंने अपने बाबा से बोला था कि मुझे ड्रिफ्ट सिखाएं, तो उन्होंने मुझे जब ड्रिफ्ट सिखाई ना तो मैंने वो हल्का सा जो शॉट था वो अपने इंस्टा की स्टोरी पे लगा दिया था, तो उधर से वो आगे पेजेस पे शेयर हुआ। सही। तो उसके बाद जब वो एक जगह मैंने देखा, तो मैं जब कमेंट सेक्शन पे गई तो उधर इतनी नेगेटिविटी, लाइक इतने नेगेटिव कमेंट्स लोगों के कि ओ लड़की ड्रिफ्ट मार रही है, इसको आती नहीं है और ये सब। नहीं नहीं, पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स में खवातीन का बड़ा हाथ है, और हम तो जितनी रैलीज होती हैं उसमें खवातीन जो हिस्सा लेती हैं, बस एक कोशिश करें कि मैंने जो चीज नोटिस की और आप भी बेशक शायद उनको ये पैगाम दे दें, मेरी नहीं शायद आपकी बात सुन लें, कि खवातीन जो मोटरसाइकिल चलाती हैं उनके लिए भी हेलमेट उतना जरूरी है जितना मर्दों के लिए जरूरी है, तो हिजाब जो है वो एक्सीडेंट से नहीं बचाएगा,
तो ये मैंने 90% ऑफ केसेस में देखा है. आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, आई एम नॉट बीइंग ना एनी ना वो, लेकिन इट्स ये ओके. जरूरी है कि आप लोग हाँ जो है हेलमेट जरूर पहने और अपनी जिंदगी जो है उसको सेव करें, ताकि बिल्कुल. और और सीट बेल्ट, खवातीन जो आना चाहे सीट बेल्ट, यस यस ऑफ सीट कोर्स बेल्ट फॉर कार ड्राइवर, सीट बेल्ट बड़ा जरूरी है, बिल्कुल. जिम्मेदारी जरूरी है, ताकि और लोग जो कि माशरे में आएंगे और इस तरह करेंगे तो उनके लिए एक नेगेटिव इम्पेडिमेंट ना हो, कि घर वाली ये ना कि जी फलानी लड़की सड़क पे गई थी उसका एक्सीडेंट हो गया था, और जी बाकी वो लोग जो सड़क पे देख के जनाब बता रहे हैं कि वो कर रहे हैं, इशारे करते हैं, जो भी करते हैं, उनके लिए भी ये है कि मेरे ख्याल से अगेन इट्स फॉर एवरीबडी, जो घर से निकलता है उसके अपने घर में भी इसी तरह फीमेल जो है अवेलेबल हैं और वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, तो इफ यू बिल्कुल डोंट वांट कि आपके अपने घर वालों के साथ कोई बदतमीजी करे तो आप भी ऐसा ना करें, ताकि जो है ना पूरा माशरा सबके लिए एक इक्वली एक्सेप्टेबल माशरा बन जाए. बिल्कुल ऐसा ही है. तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा. अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में अच्छा नोटिफिकेशन मिलता रहे. जी सॉरी मैं कट कर रही हूँ, नहीं मैं नहीं पूछ रही, पहले करें, आपकी मैं बहुत लोगों को कट करता हूँ. फेवरेट आपकी फेवरेट कार कौन सी है, फेवरेट कार डिपेंड करता है बजट के लिहाज से, डिपेंड करता है और फिर जो टाइम कब होता अगर रहता है. कोई ड्रीम कार होती है ना, जैसे आपने लेनी हो कोई. ड्रीम कार इज मर्सिडीज SLR 129, विच इज 1996 का मॉडल. आई गुड. थिंक इट्स वन ऑफ द कूलेस्ट मर्सिडीज एवर बिल्ट. और एक और बात, हम लोगों ने असल पाकवीर से बहुत ज़्यादा, मैं एक अच्छी बात बताऊंगी, अच्छा कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हमने पेड पाकवीर पे ही प्रमोशन नहीं सेल है. की है. नहीं, नहीं, जेनेरिक ये है. मैं बिल्कुल हाँ वैसी तारीफ एक खुद से कर रही हूँ, हाँ ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, कि हम सही, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब मर्सिडीज़ ही सेल वगैरह की हैं ठीक है. पाकवीर के थ्रू, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि बहुत अच्छा. तो आपने कौन कौन सी सर्विस यूज़ की पार्क व्हील्स की, इंस्पेक्शन कभी यूज़ किया आपने? नहीं वो नहीं नहीं की, की, सिर्फ आपने गाड़ियाँ बेची हैं और सिर्फ आपकी गाड़ी आराम गाड़ियाँ से बेकी हैं, आराम से और आराम से. खरीदते हुए भी कभी कोई हेल्प मिली कि नहीं? खरीदते हुए नहीं. खरीदते हुए वो तो मुझे मेरे बाबा को आइडिया है, बट मुझे ये पता है कि वो ज़्यादातर सारे एड्स पार्कवीज पे लगा रहे सही होते हैं है, और आराम से वो चलो थैंक यू वेरी मच. अपना. अगर आप भी अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील पे जाके अभी गाड़ी लिस्ट कर लें, और अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसकी तस्वीरें ऐसी लें कि वो कम से कम आपको अगले को लेने वाले को पता मतलब लगे कि आप गाड़ी फोटोग्राफी बेच. स्किल्स होने चाहिए ना अच्छे वाले अच्छी होनी के. चाहिए, बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं कि वैसे लगता है कि जबरदस्ती किसी ने उनको मार के कह के ऐड लगा दें और बाद हाँ में वो कहते जी हैं कि गाड़ी नहीं बिक रही. सो इफ देयर लाइक थाउजेंड ऑफ कार एंड यू वांट योर कार टू एग्जैक्टली स्टैंड आउट, तो आपको चाहिए ये कि आप उसकी अच्छी तस्वीरें खींचें, डिस्क्रिप्शन अच्छी हाँ लिखें, बिल्कुल रियलिस्टिक प्राइस रखें, तो गाड़ी बिक जाती है. बिल्कुल. इन्होंने भी क्यों बेची है, क्योंकि मैंने मैं भी कई अगर बेची है. खुद भी अगर कोई गाड़ी अगर मुझे पसंद है, तो मैं पार्कवीज का पेज ओपन करूंगी, तो मैं वही देखूंगी कि कोई गाड़ी प्यारी पिक्चर्स ही मैं सिलेक्ट करूंगी, सही कि है, जिसमें वो ब्यूटी नजर आ रही हो गाड़ी बिल्कुल की. ठीक, बिल्कुल ठीक. तो आपको पता लग गया गाड़ी बेचने के लिए आपने कहाँ जाना है और कैसे ऐड लगाना है. बिल्कुल ऐसा ही सो है. थैंक यू वेरी मच जी. गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पार्कवीज.